हरियाणा के सभी जिलों में 42,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी मनोहर लाल सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। जैसलमेर हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। देश के तमाम जिलों में 42,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी और उनके सपोर्टिंग स्टाफ की तरफ से सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार किया गया है। सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप इन सफाई कर्मचारियों की तरफ से लगाया जा रहा है। प्रदेश के तमाम जिलों में इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन किए गए। मुझे बताइए कि वजह क्या है, तमाम जिलों में इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन आज किए जा रहे हैं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24 मई 2019 को हमारा समझौता 18 को हमारा समझौता हुआ था, उसमें ठेके पे जो कर्मचारी लगे हैं वो रोल पे आने थे और जो रोल पे लगे हुए कर्मचारी हैं वे महकमे की तरफ से पक्के होने थे। फैसले में ये सारी बातें हमारी मान ली गई थी, लेकिन धरातल पे उन्होंने कुछ भी नहीं करके वो हमारी मांगे थी जो कि तो है। अब नहीं मांगे ये है कि पंचकुला नगर निगम में हमारे 258 कर्मचारी जो अनुबंध के भी हैं, ठेके के भी हैं, ये और कलरक भी हैं, ऑपरेटर भी हैं, माली भी है, ये सभी कर्मचारी उन्होंने ये कह करके हटा दिए कि निगम के पास, पंचकुला निगम के पास पैसे नहीं है। हमें पैसे से मतलब नहीं, जो हमारा कर्मचारी स्थायी रूप से काम कर रहा था वो काम पे आना चाहिए। अगर सरकार वक्त रहते नहीं चेती तो हम एक बड़ा आंदोलन करने पे मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। सरकार वायदे तो करती है लेकिन निभाती नहीं। ये सरकार वायदा तो करती है, निभाती नहीं है। सरकार को 5.5 साल हो गए सत्ता में आए हुए, इसको जब से कर्मचारी व्यापारी सड़कों पर है। ये सरकार झूठी सरकार है, सिर्फ जुमलों की सरकार है। ये सरकार वायदा करके आई थी कि हम सरकार में आते ही कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे, पक्के कर्मचारी को 50% वेतन देंगे, और इन्होंने जितने भी वायदे किए सारे झूठे किए। मजबूरन आज कर्मचारी हड़ताल पर है। इस सरकार की वजह से 258 कर्मचारी पंचकुला नगर निगम में हटाए गए, ये कहकर कि पंचकुला नगर निगम के पास पैसे नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उन कर्मचारियों की जल्दी से जल्दी बहाली हो, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन हम इस प्रदेश सरकार के खिलाफ छेड़ेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सिर्फ प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले 42,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी और दूसरे फायर ब्रिगेड और दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ के लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं, आगे किस तरीके की रणनीति तैयार की गई? नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो आह्वान किया है कि आज पूरे प्रदेश में सरकार की वायदा खिलाफी के विरोध में आज झाड़ू प्रदर्शन किया जा रहा है, अलग अलग बहाने बना रही है, और हमारी मांग ये है कि ठेका प्रथा खत्म की जाए, आउटसोर्सिंग पॉलिसी खत्म की जाए और कर्मचारी की पक्की भर्ती की जाए। जहां तक कर्मचारी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम संघ पर समर्थन करता है, वो जैसा आह्वान स्टेट कमेटी करेगी उसको अंतन बंधन से लागू करेगी। चलिए, सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की बात यहां सफाई कर्मचारियों की तरफ से कही जा रही है। साफ ये बात कह रहे कि सरकार की तरफ से वायदे तो तमाम किए गए लेकिन इन वायदों पर खरा उतरने का काम सरकार की तरफ से नहीं किया गया, और यही वजह है कि तमाम सफाई कर्मचारी अब सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।